बकरी आ गई, केवल तो यहाँ पे बकरियां भी अलाउड है। ये बकरी का खुदा है नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जब से मालूम पड़ा निज़ाम साहब का म्यूज़ियम भी है बल्कि, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे विज़िट करेंगे बल्कि, बट कभी भी मौका नहीं मिल रहा था विज़िट करने के लिए। तो जब अयान और अफशीन आए थे हम लोग सोचे कि निज़ाम म्यूज़ियम जाएंगे बल्कि। हम लोग निज़ाम म्यूज़ियम पहुंचे तक अराउंड 3:30 हुए थे। निज़ाम म्यूज़ियम लोकेटेड है पुरानी हवेली में जो ओल्ड सिटी में आता है। हैदराबाद में होते हुए निज़ाम म्यूज़ियम है बल्कि हमें मालूम ही नहीं था। जब चौमोहल्ला पैलेस और सालार जंग म्यूज़ियम हम लोग गए थे तब हमें मालूम चला कि निज़ाम साहब का म्यूज़ियम भी है बल्कि। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे यहाँ के चीज़ें देखने के लिए और म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए। म्यूज़ियम की टाइमिंग है 10 बजे से लेके 5 बजे तक। 4:30 बजे तक टिकट काउंटर क्लोज हो गया था। म्यूज़ियम फ्राइडे के दिन क्लोज रहता। बात करते हैं टिकट की। बड़ों के लिए टिकट है 125 रुपये और 10 साल के बच्चों तक जो है फ्री है यहाँ पर। और फोटोग्राफी के लिए 150 और जो है वीडियोग्राफी के लिए 500 रुपये है। ये मुझे नहीं मालूम था। तो जब मैं थोड़ा सा जो है वीडियो लेना शुरू करा तब ये लोग बोले कि नहीं आप वीडियो नहीं ले सकते हैं, तो आपको जो है पे करना पड़ता है। बल्कि मैं ऑलमोस्ट जो है 3:30 तक पहुंच गया था वहां पर। तो जो है एक घंटे के लिए 500 रुपीज़ वीडियो के लिए मुझे उतना समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मैं फ़ोटोग्राफी के लिए जो है टिकट लिया था। इंशाल्लाह आगे चल के अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा। तब तक आप फोटोग्राफी से ही काम चलाइए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप म्यूज़ियम विज़िट कर रहे हैं तो गाइड भी लीजिए। तो गाइड लेंगे तो जो है आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन वो देंगे। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके देख रहे थे। तो वहाँ पर एक पर्सन आए थे, वो बहुत फ्रेंडली थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से जो है आप म्यूज़ियम देख सकते हैं गाइड की हेल्प से। दोस्तों आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो और निज़ाम साहब की लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये म्यूज़ियम मस्ट विज़िट है। आप प्लीज़ विज़िट करिए यहाँ पर। म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये म्यूज़ियम में जितने भी सामान या आर्टिकल्स या आइटम्स रखे हुए हैं ये सारे गिफ्ट है निज़ाम साहब के लिए। निज़ाम साहब की हुकूमत के जब 25 साल कंप्लीट हुए थे तब निज़ाम साहब ने जो है एक बड़ी पार्टी रखी थी, यानी कि दावत रखी थी। तब बहुत सारे इनके चाहने वाले डिफरेंट सिटीज़ से इनको ये सारे गिफ्ट तोहफे में दिए थे कहते। माशाल्लाह एक एक आइटम इतनी बारीकी से काम किया गया था और इन डिटेल इस पे जो है कारीगरी की थी, काबिले तारीफ थी।
किसकी है वो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खली के सफर में अभी हमारे यहाँ सफर बनी है। सो आज हम लोग आए निजाम के म्यूजियम में। सो आप भी इधर आ सकते हैं और लोगों के चीजा देख सकते हैं। कहाँ पर है ये? है ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी में है, पुराने शहर। और इधर क्या क्या देखे आप यहाँ पर म्यूजियम में? क्या क्या देखे आप? उन लोगों के कपड़े देखे, उनकी चेयर देखे, उनकी फोटो देखे, उनका झूला देखे, और जिसमें लोग खाना खाते थे वो भी देखे। कैसा दिखा? उसकी रिंग देखे, गोल्ड की चेन भी देखे, बहुत कुछ देखा। तो आपको कैसा दिखा? बहुत अच्छा दिखा। आप रिकमेंड करते हैं आपके फ्रेंड्स को? हाँ। और गाइस यहाँ पे एक बकरी आ गई की वो तो यहाँ पे बकरियाँ भी अलाउड है। ये बकरी का बच्चा है। और यहाँ पे एक स्कूल भी है जो है ये। बताओ बताओ फिर वहाँ पे। ये है निजाम का ब्ला 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 और ये है स्कूल। भी लोग हम बोले निजाम साहब सुन रहे होंगे अपने बातों को, तो मैं बोला निजाम साहब अगर आप सुन रहे तो एक सोने का सिक्का फेंक के मारो, बोल के बोला। अच्छी बात बोले। आप क्या बोलना चाहेंगे निजाम सरकार की जो है म्यूजियम के बारे में? ये जन्म में रह गुआ की मैं जब इच पदा होना था कभी देखने ना था। कैसा दिखा आपको? उन्हें चलते चलते निजाम साहब एक हीरा बोल तो फेंक के मारते थे। चेयर अच्छी निजाम साहब जन्म जमाने में पैदा होना था कहते। मैं अब तक पैदा हुआ। सुनो मेरी बात। और क्या बोल रहा? निजाम साहब जाते जाते निजाम साहब हीरा बोल तो फेंक के मारते थे। लो अयान आप लियो बोल के भेज सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम म्यूज़ियम का सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। 5 o'clock के बाद ये बंद हो गया था, इसीलिए हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे। बल्कि एज़ यूजल हमारी फेवरेट प्लेस मक्का मस्जिद के लिए हम लोग रवाना हो गए थे। बड़े भाई अनवर का फ़ोन भी आया था, वो बोल रहे थे कि लंच के लिए हम लोग कहीं पर बाहर जाएंगे। बल्कि हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि रोमान जाएंगे या शादाब जाएंगे या नायाब जाएंगे। बल्कि बच्चों सदा फोन में चलते देखो, ये बच्चे देखो, ये बच्चे हमेशा फोन में चलते देखो, सदा फोन में रहते हैं। ये बच्ची अफशीन, ये बच्चा जो है अयान। अयान इधर देखिए, ये गौर से देखो बच्चे को। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज हमारी मक्का मस्जिद में बहुत अच्छे से हुई। हम लोग कहां पर गए लंच के लिए आगे चल के व्लॉग में बताऊंगा। तब तक आप खलील के सफ़र को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। सफर में अभी हमारे हम सफर बनी है। अब रुको। अस्सलाम वालेकुम खलील के सफर में अभी खलील नामक है हम सफर बनी है। अस्सलाम वालेकुम खलील के सफर में अभी खलील मामा के हम सफर बन गए। हम तो बन गए और आप भी बन जाओ। तो आज हम लोग आए निजाम म्यूजियम में। सो आप भी इधर आके देख सकते हैं। सो और इधर